और अभी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है तो थोड़ा हम घूम फिर लेते हैं। फर्स्ट टाइम सहरसा जंक्शन आए हैं। वैसे जंक्शन पॉइंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बताइए कैसी स्थिति है भैया, कम से कम लोकल वेंडर को चढ़ना चाहिए यार, इतने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। दिल में ठंडक पहुंची, सुकून मिला हमको, एकदम आनंद आ गया तगड़ा वाला। क्या पूछ रहे हैं गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के एक और नए ट्रेन जर्नी में। लाल हमारे सामने खड़ी है ये जानकी एक्सप्रेस, जो कि रोजाना जयनगर से मनिहारी के बीच चलती है। मनिहारी जो कि कटिहार में एक छोटा सा शहर है वहीं के बीच। तो आज हम लोग इस ट्रेन से स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले हैं और हम लोग का सीट नंबर है 40, जो कि हमने लगभग 2 दिन पहले बुक किया था। बिल्कुल 4:45 पर अपनी ट्रेन जो है जयनगर से निकल रही है, एकदम राइट टाइम है, एकदम बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लेट नहीं हुआ है भाई ट्रेन अपनी। ये अपना जयनगर, तो गाइस 30 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं मधुबनी। और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि मधुबनी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ना भैया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि मधुबनी एक जयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्टेशन आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ 5:10 पे पहुंचे थे। वैसे ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज मात्र 2 ही मिनट का है। वैसे हमने अभी तक हमने ट्रेन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है आप लोगों को, ट्रेन कैसे कैसे चलती है, कितने बजे जयनगर से खुलती है और कितने बजे मनिहारी पहुंचते हैं। फिलहाल ट्रेन का सिग्नल हो गया है, जो हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो रोजाना जयनगर से सुबह 4:45 पर खुलती है और उसी दिन दोपहर के 2:45 पर मनिहारी पहुंचा देती है। मनिहारी जो कि कटिहार में एक छोटा सा शहर है। अगर इस ट्रेन की रूट की बात करें ना, तो हम लोग ये जयनगर से खुलने के बाद मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में समस्तीपुर रोसड़ा घाट से होते हुए एक ही बेर खगड़िया मानसी, सहरसा, बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार होते हुए लगभग दोपहर को हम लोग मनिहारी पहुंच जाएंगे। फिलहाल ट्रेन तो अपनी राइट टाइम खुली थी कटिहार यहाँ से जयनगर से। अब देखते हैं राइट टाइम ये ट्रेन पहुंचाती है कि नहीं। फिलहाल ट्रेन एकदम अभी खाली ही खाली है, लेकिन इस रूट पे काफ़ी डिमांडिंग रहता है इस ट्रेन का। ट्रेन काफ़ी भरने वाली है अभी, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे आगे देखिए होता है। तो 10 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं भैया सकरी जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट इसको कहाँ बोलते हैं पता है? कहा है कि यहाँ से एक लाइन निकलती है सीधा खगड़िया से और एक लाइन जाती है जिधर हम लोग आ रहे हैं, मतलब जयनगर से, और एक लाइन निकलती है इधर दरभंगा की तरफ, और एक लाइन और जाती है जो कि निर्मली एक स्टेशन है उधर की ओर, इसीलिए इसको जो है जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से टोटल 4 लाइन जो है डाइवर्ट होते हैं। फिलहाल हम लोग 10 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। अभी तक हम लोगों ने 48 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अगर इसकी ट्रेन की किराए की बात करें तो हमने स्लीपर क्लास का टिकट कटा है, जो कि हमें पड़ा 245 रुपये। अगर आप जनरल से जाना चाहेंगे तो जनरल का पड़ेगा आपको 135 रुपये, और थर्ड एसी इसमें है नहीं और सेकेंड एसी तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल यहाँ से मात्र 2 ही मिनट का अपनी ट्रेन का हॉल्ट है, 2 मिनट बाद जो है अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी, फिर एक ही बार दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए हम लोग मनिहारी पहुँचेंगे। बाय बाय सकरी जंक्शन जी, फिर से आप कब मुलाकात हो हमें पता नहीं है। वैसे कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि टीसी साहब आए थे, मतलब ट्रेन खुलने से लगभग 10 मिनट बाद ही टीसी साहब आ गए थे और चेकिंग वेकिंग होने लगी थी, तो हमने भी अपना टिकट दिखाया। और जो लोग जनरल का टिकट लेकर चढ़ गए थे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में भी घुस गए थे, तो उनको भी टीसी साहब ने बोला कि ना भाई आप लोग जाइए, उन्हें जनरल वाला में इसमें आपको अलाव नहीं है, अलाव है तो फाइन कटाइए तब चढ़िए, वैसे नहीं चढ़िए। हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन लगभग 10 मिनट की देरी से। अभी तक हम लोग बोले 67 किलोमीटर की दूरी तय करी यहाँ तक। वैसे इसको जंक्शन पॉइंट इसीलिए बोलते हैं, वैसे हर एक वीडियो में हम लोग बताते हैं लेकिन इस वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है सीधा सीतामढ़ी की और एक लाइन जिधर जा रही है मतलब समस्तीपुर की, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं बोले तो जयनगर की तरफ, तो इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 8 रेलवे ट्रैक है, इसे ऑपरेट किया जाता है। पूर्व मध्य रेलवे बोले तो हाजीपुर समस्तीपुर डिवीजन के तहत। फिलहाल अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, अभी चलते हैं अपने
कोच के अंदर। वैसे हमारा फोन जो है बैटरी थोड़ा डाउन हो चुका है, अभी थोड़ा जा रहे हैं चार्ज में लगाने। हम लोग पहुंच चुके हैं लहरिया सराय। पहले क्या होता था पता है, लहरिया सराय और लखीसराय में हम अंतर ही नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि भैया लहरिया सराय और लखीसराय दोनों अलग है। फिलहाल अपनी ट्रेन यहां से खुल चुकी है, नेट जो है 15 मिनट की देरी से अभी ट्रेन चल रही है, 6:30 बज रहे हैं अभी। अभी यहां से एक ही बार समस्तीपुर में मैं मिलता हूं। चलो भाई, ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर यहां से लहरिया सराय से। वैसे अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा जो मेरा होम टाउन समस्तीपुर में है, हम समस्तीपुर में भी ट्रेन पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने टिकट कटाया था जयनगर का, क्योंकि आपको तो पता है जो हम एंड टू एंड जर्नी करते हैं, इसीलिए ये ट्रेन जो है जयनगर से मनिहारी तक चलती है, इसलिए हमने सोचा जयनगर से सफ़र करेंगे, इसीलिए जयनगर से हम ट्रेन पकड़े थे। गाइस हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कहाँ, सिंगिया घाट। लगभग हमने अभी तक 127 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अभी भी काफ़ी दूरी बची हुई है और हल्की हल्की वर्षा जो है पड़ ही रही है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। और वैसे हमने आपको एक बात नहीं बताया, अभी तक तो इतना दूर तक सफ़र कर लिया लेकिन ट्रेन का नंबर ही नहीं बताया भैया। वैसे ट्रेन का नंबर हुआ 15284। वैसे इस रूट पर जो है लगभग 21 हॉल्ट होने वाले हैं इस ट्रेन के। वैसे अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, देखते हैं हम लोग अपनी ट्रेन जो है राइट टाइम पहुंचती है कि नहीं। वैसे ट्रेन जो है अपनी 20 मिनट की देरी से चल रही है। वैसे बाकी अभी अपनी ट्रेन जो है रोसरा घाट पहुंची थी और हम आए थे थोड़ा चाय लेने के लिए, पर यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे 2-3 स्टॉल में कहीं पे भी चाय नहीं मिला ना कॉफ़ी मिला। वैसे चाय नहीं पीते लेकिन आज मन किया पीने का, तो सोच रहे थे लेकिन नहीं मिला चाय, तो ये बिस्किट ले लिए, यही जा रहे थोड़ा खाएं। तो गाइस सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मानसी जंक्शन। अब जो है अपनी ट्रेन इधर घूम जाएगी सहरसा वाले रूट पे, सिमरी बख्तियारपुर होते हुए एक ही बार सहरसा निकलेगी। लगभग 9:30 बज रहे हैं और अंदर ट्रेन में एकदम भीड़ जो है तगड़ी हो गई है एकदम। हमने जैसा आपको बताया था भीड़ बढ़ने वाली है, जनरल क्लास का तो मतलब भीड़ होता ही है, स्लीपर में भी एकदम तगड़ा वाला भीड़ हो रहा है। वैसे एक वो बात है ऊपर वाली सीट का, जो अगर आप ऊपर वाली सीट मिलता है ना तो चैन से सो के जा सकते हैं, क्योंकि नीचे में इतना ना आदमी आ जाता है आपकी सीट पर बैठ जाएगा, मना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपन का तो ऊपर का सीट है, आराम से सो के एकदम जा रहे हैं। वैसे दवाई खाने के बाद हमारा नींद आ गया था इसीलिए हम सो गए थे, दवाई खाए थे, कमजोरी वो बहुत हो गया है ना, हम तो पहले दवाई खाए हैं थोड़ा ताकत आएगा ना। अपन लोग की ट्रेन अभी चल रही है, लगभग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सहरसा जंक्शन। यहाँ पे इसका जो है 25 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका लोको रिवल्सन होगा। पीछे जो है लोकोमोटिव निकल चुका था, अब आगे की ओर लोकोमोटिव लगेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सत्तू का सेवन किया है क्योंकि काफी भूख लगी थी हमको, खाने पीने की फुल व्यवस्था है, नमकीन भुजिया समोसे लिट्टी सब चीज मिल रहा है, लेकिन हम समोसा वमोसा खाते नहीं, आपको तो पहले है। फिलहाल अभी हमने सत्तू किया है एकदम 1 ग्राम 20 रुपये में, मस्त पेट भर गया है। और घर से लाए थे थोड़ा पूरी हुई हो तो खैबे की अपना घर में, हम तो ट्रेन के अंदर, और अभी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है तो थोड़ा हम घूम फिर लेते हैं। फर्स्ट टाइम सहरसा जंक्शन आए हैं। वैसे जंक्शन पॉइंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है, कहाँ की और मैं भूल रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, उसमें लिखा हुआ आएगा, वो समझ जाइएगा आप, बुझ रहे हैं ना।
वैसे जयनगर से सहरसा जंक्शन तक यही लोकोमोटिव इस ट्रेन को जो है पुल करके लाया है, लगभग WAP-4 समस्तीपुर का लोकोमोटिव था। अब यहाँ से जो है ट्रेन रिवर्स होगी, यहाँ से इसका लोकोमोटिव चेंज कर दिया गया, लोकोमोटिव जो है आगे लगेगा इसका। लगभग 25-30 मिनट बाद जो है अपनी ट्रेन जो है यहाँ से सहरसा जंक्शन से खुल चुकी है। अब इसका एक ही बार यहाँ से ऐसे कि एकदम ऐसे घूम जाएगी, पूरा ताड़ा वाला मोड़ है यहाँ पे, और एक ही बार बनमंकी और पूर्णिया होते हुए जो है हम लोग मनिहारी पहुँचेंगे। वैसे ट्रेन आधे घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन देखते हैं ये टाइम कवर करती है कि नहीं, हम लोग टाइम से मनिहारी जंक्शन मनिहारी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं कि नहीं। दोस्तों अभी हम बैठे हैं पूर्णिया जंक्शन पे और अपनी ट्रेन जो है पूर्णिया जंक्शन पहुंच चुकी है लगभग 25 मिनट बिफोर। वैसे ट्रेन जो है आधे घंटे की देरी से चल रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रेन ने काफ़ी कवर किया टाइम, और अभी हम लोग पूर्णिया में बैठे हैं। यहाँ पे लगभग काफ़ी देर ट्रेन रुकने वाली, क्योंकि 20 मिनट बिफोर ट्रेन आई है। और यहाँ से जंक्शन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा निकल जाती है जोगबनी की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं और एक लाइन जिधर ये ट्रेन जा रही है बोले तो कटिहार, इसके बाद कटिहार आने वाला है। यहाँ पे लगभग बहुत देर ट्रेन रुकने वाली है, अभी जो है 1:30 हुआ है, लगभग 1:50 पर यहाँ पे ट्रेन खुलेगी। तब तक बैठे हैं अपना पूर्णिया जंक्शन पे, और ट्रेन तो पूरी खाली की खाली हो गई, मतलब सहरसा जंक्शन भाई ट्रेन पूरा खाली हो गया था। फिलहाल अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे हैं और थोड़े बहुत चढ़े भी हैं। बाकी एक और बात, इस ट्रेन में भैया पेंटिकार तो है नहीं, आप लोगों को पता है, क्योंकि काफ़ी कम दूरी तय करती है, जिसमें पेंटिकार कहाँ से देखने को मिलेगा। और लोकल वेंडर भी इस ट्रेन में चढ़ते नहीं है, मतलब जयनगर से अभी तक हम पूर्णिया आ गए हैं, देखो वो लोकल वेंडर को देखे नहीं है कुछ बेचते हुए इसमें, मतलब कम से कम समोसा लिट्टी पानी बोतल ये सब बेचना चाहिए यार, लेकिन ना मतलब एकदम पूरा कोई है ही नहीं बेचने के लिए। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचेगी तब कुछ ले पाएंगे। वहीं बताइए ना, हम रोचरा घाट पहुँचे तो क्या कहते हैं, उतर के स्टेशन में हम जो है बिस्किट लिए, मतलब ट्रेन के अंदर चाय बेचने वाला भी नहीं आता है। बताइए कैसी स्थिति है भैया, कम से कम लोकल वेंडर को चढ़ना चाहिए यार, इतने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं कुछ तो होगा, लेकिन ना खैर छोड़िए कोई बात नहीं। कटिहार जंक्शन लगभग 2:35 पर, वैसे भी ट्रेन जो है 2:35 पर ही पहुंचाने का टाइम था, तो बिल्कुल ट्रेन जो है राइट टाइम यहां पे पहुंची है। और जंक्शन पॉइंट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से एक लाइन जाती है खगड़िया की तरफ, एक लाइन जाती है कुदेमपुर की तरफ, और एक लाइन जाती है पूर्णिया की तरफ, और एक लाइन जाती है बारसोई की तरफ। टोटल 4 लाइनें यहां से निकलती है, इसलिए इसको जो है जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। यहां पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। फिलहाल अपनी ट्रेन का यहां पे 15 मिनट का हॉल्ट है, 2:35 पर ट्रेन पहुंची है, और 2:55 पर यहां से ट्रेन जो है निकल जाएगी। वैसे गर्मी एकदम गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है, लग रहा है फिर जो है वर्षा पड़ेगा एकदम, पता नहीं, अब देखते हैं, जो वर्षा वर्षा होता है तो आनंद ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने लिया है एक रबड़ी और जा रहे हैं, रबड़ी का सेवन करेंगे और आनंद लेंगे इस रबड़ी का अंदर बैठ के ट्रेन के अंदर। तो गाइस अपनी ट्रेन जो है करीब कटिहार में 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेन रुक चुकी है, 2:35 पर ट्रेन आई थी, और अभी देखिए ना 3:50 हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे रुकी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गया था। अभी हम लोग 2 स्टेशन को पार करने के बाद अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी मनिहारी, एक स्टेशन है महियापुर और एक और स्टेशन है ऐसा ही, मेरे को नाम भूल गया हूँ। लगभग हमने अभी 367 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है कटिहार जंक्शन तक, और अभी जो है 24 किलोमीटर की दूरी और बची है। ट्रेन तो लेट हो ही गई है, देखते हैं और कितना ट्रेन लेट होती है। फिलहाल अभी जाते हैं और सीट पे बैठ जाते हैं, फिलहाल अपनी ट्रेन घूम जाएगी इधर मनिहारी की तरफ। फाइनली हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन बोले तो मनिहारी पहुंच चुके हैं। करीब ट्रेन अभी जो है 4:20 पर यहाँ आई है लगभग, जबकि ट्रेन का पहुंचाने का टाइम था 3:45 पर, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो गई। कटिहार में ही काफ़ी देर ट्रेन को जो है रोक दिया गया था। वैसे इसमें लोकोमोटिव लगा है अभी, एल्को लोकोमोटिव, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो कौन सा है एल्को लोकोमोटिव। इधर जो है अभी तक इलेक्ट्रिक मतलब वो बिजली का जो है पूरा प्रोसेस चल ही रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। फिलहाल हम लोग की यात्रा यहीं तक की थी, वैसे भी ट्रेन जो है यहीं तक की है। फिलहाल अब जो है इस यात्रा को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलूँगा बहुत जल्द एक और नए ट्रेन जर्नी में, एक और नए रेल वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, और हाँ
पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब यार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम पे तो फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गाइज अभी हम मनिहारी में उतरे थे तो हमारे कुछ यहाँ पे भाई लोग मिले हैं, वैसे हाँ यहाँ पे और भी लोग हैं सब। हम वीडियो बना रहे थे ना तो इनको देख के जो है पूछे हम लोगों से आप ब्लॉग बनाते हैं, तो हमने बताया हाँ भाई हमारा यूट्यूब पे चैनल है और ये मनिहारी में हमारे कुछ दोस्त मिले हैं। वैसे अभी नई है मतलब नया नया दोस्ती हुआ है इन लोगों से। फिलहाल अभी हम उतरे हैं यहाँ पे, मैं आपको अभी लोकोमोटिव दिखा देता हूँ और सब बढ़िया हम सब बढ़िया। वैसे काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। गंगा जी नहाने आए हैं? नहीं गंगा जी नहीं, बस क्लीन जर्नी हम करने आए हैं। घूम लीजिएगा वहाँ फिर पहाड़ है, लॉन्च घाट है यहाँ पे, गंगा जी का घाट है यहाँ पास ही। हाँ पास में ये तो सब गंगा जी यहाँ पे। ठीक है अभी जा रहे थोड़ा लोकोमोटिव चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलके। अभी मैं आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ जो कौन सा लोकोमोटिव इसमें लगा है। एल्को लोकोमोटिव है शायद यहाँ पे अभी। बाकी ये लगा था अपने इस ट्रेन में एल्को लोकोमोटिव सिल्लीगुड़ी का WDP4, यही लोकोमोटिव जो है यहाँ तक लाया है क्योंकि इस रूट में अभी तक जो है ना इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है ये रूट, इसीलिए जो है इसमें अभी तक एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है। बाकी उन दोस्तों लोगों से मिलके हमें काफ़ी खुशी हुई। ऐसे ही रास्ता पेरा में कोई ना मिल जाता है यार। वैसे अपने जो है नए सब्सक्राइबर बने हैं, वैसे काफ़ी अच्छा लगा दोस्त लोग से मिलके। दिल में ठंडक पहुंची, सुकून मिला हमको, एकदम आनंद आ गया तगड़ा वाला। क्या पूछ रहे हैं? और आप लोगों को भी अगर मिलना है तो ऐसे ही रास्ता पेरा में मिलते रहे ना, तगड़ा वाला आनंद देंगे आपको। मतलब मिलकर तो अच्छा लग भी ना करेगा भाई। अभी जा रहे हैं यहाँ पे, गंगा जी है नज़दीक में, हो सके तो वहाँ निकलेंगे। वैसे ये ट्रेन जो है अभी फिर जो है रात 10:50 यहाँ से खुलेगी और अगले सुबह जयनगर पहुंच जाएगी। कुछ नहीं बाबू।